हाय गाइस, वेलकम बैक टू अंडमान गाथा चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम सागर सोनिया और आज हम चलने वाले हैं माउंट हैरियट। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जो कि फरारगंज तहसील में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल जो है तो 46.62 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है तो बर्ड वॉचिंग और अंडमान के द्वीपों को व्यू करने के लिए जो है तो आदर्श जगह है और अच्छी तरह से जाना जाता है। तो चलिए आज हम दोस्तों देखते हैं अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट नेशनल पार्क को, और आज हम अपनी वार्तालाप करेंगे सोहन लाल शर्मा जी मानी, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं और यहाँ पे फैंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घूमने के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माउंट मणिपुर जो है माउंट हैरियट का ही नाम है, जो कि 25 नवंबर 2021 को माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी के द्वारा बदल दिया गया और इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। हाँ तो अंकल, आप कहाँ से आए हैं? मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। आप लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पे विजिट किए हैं? ये पूरे देश में हिमालय परिवार बना हुआ है, वो चार जगह की यात्राएं करवाता है और उसमें एक जगह ये पोर्ट ब्लेयर की है। इस हर जगह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करता है फैंस फोरम ऑफ अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। प्रतिवर्ष जो 30 दिसंबर जो यहाँ के लिए बहुत अहम दिन है, उसके अंतर्गत 29 दिसंबर से लगाकर 2 जनवरी तक प्रतिवर्ष ये जो है आयोजन किया जाता है। स्वराज दीप नमन जो है समूह जो है उसकी यात्रा है ये। सभी द्वीपों के ऊपर हम जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो योगदान है देश में, और वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों ने जो यहाँ पर बलिदान दिया है, उनका नमन करने, उनको याद करने के लिए प्रतिवर्ष ये फोरम यहाँ पर ये यात्रा आयोजित करती है। इस वर्ष यहाँ पर 56 लोग देश के सभी राज्यों से यहाँ आए हैं और 5 दिन हम सभी इन द्वीप समूह के अंदर जो है हम इस यात्रा को, स्वराज्य के जो द्वीप हैं उनमें हम इन क्रांतिकारी वीरों को नमन कर रहे हैं, यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे हैं, यहाँ की सांस्कृतिक जो है उसका हम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी देखने को मिले हैं। सभी लोगों से हम मिले हैं और यहाँ बहुत अच्छा देशभक्ति का वातावरण है, बहुत अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, देखकर हम बहुत प्रफुल्लित और आनंदित हैं। सर, कल आप लोग मरीना पार्क में ऑर्केस्ट्रा में वहाँ पे कल हमारा भारतीय संगीत चल रहा था, वहाँ पे आप लोग थे? बिल्कुल, कल जो 30 दिसंबर था वो अंग्रेजी नववर्ष है। हम क्योंकि देश में बहुत सारे नववर्ष होते हैं, उसमें से एक ही अंग्रेजी नववर्ष है, उसका जो 21 का जो समापन था और नव वर्ष जो 2022 आएगा उसके स्वागत के लिए हमने अपने भारत की संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल कल्चरल रूप से हमने समुद्र पूजन का कल मेरिन बीच के ऊपर समुद्र पूजन किया, वहां पर आरती की, भजन किए और देशभक्ति के गीत गाकर हम नव वर्ष का स्वागत करने के लिए जुटे थे सभी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कल समुद्र पूजन का रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपको ये सारी जानकारी यहाँ के बारे में देने के लिए। तो दोस्तों, ये जानकारी देखिए अंकल जी ने दिया अभी, तो आगे ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। सोहन लाल शर्मा, उदयपुर राजस्थान से।